नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। योगी 2.0 कार्यकाल की शुरुआत के साथ सीएम योगी अब अपने पुराने फॉर्म में आ चुके हैं। अयोध्या देवीपाटन मंडल के दौरे के बाद योगी आदित्यनाथ अब काशी यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौजूद है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मोदी के संसदीय क्षेत्र में कैसी रही योगी की मौजूदगी, हमारी इस खास रिपोर्ट में। बाबा विश्वनाथ की नगरी में योगी, सिद्धार्थ नगर में विशेष अभियान की शुरुआत, संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आगाज। लगातार दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार सिद्धार्थ नगर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम बड़ी सहजता और सरलता के साथ बच्चों को पुचकारते और गोद में खिलाते हुए नजर आए, जिसके बाद सीएम ने संचारी रोग अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने जिले में जल्द ही नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। विशेष संचारी रोग नियंत्रण के इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए किसी एक जनपद को चुनना पड़ा तो उसके लिए भी सिद्धार्थ नगर जनपद का चयन हुआ है। अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ, WHO, पाथ जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया तो 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में आप सबके सहयोग से आज सफलता प्राप्त की है। सीएम योगी शनिवार और रविवार को 2 दिनों तक काशी दौरे पर हैं। सीएम योगी पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देओबा के काशी आगमन से पहले वहां तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसको लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क है। योगी के दौरे को लेकर पूरे काशी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यूपी में दोबारा सत्ता में वापसी होने के बाद सीएम योगी का ये पहला काशी दौरा है। वहीं सीएम योगी देर रात काशी विश्वनाथ धाम में भी दर्शन पूजन करेंगे और जीत के लिए बाबा विश्वनाथ धाम को धन्यवाद देते हुए कोतवाल बाबा काल भैरव में मत्था टेकेंगे। वहीं इससे पहले योगी मोदी चुनाव के दौरान एक साथ काशी में देखे गए थे। IPL के सीजन को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। जहां एक ओर नए सितारे सीजन में अपनी किस्मत चमका रहे हैं तो दूसरी ओर क्रिकेट की बुलंदियों को छूने वाले दिग्गजों को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। वहीं अब IPL के इस नए सीजन में 3 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। IPL 15 में 2 किंग्स की होगी टक्कर। चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। 3 अप्रैल को महामुकाबला। पूर्व भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 14 में से 9 बार IPL फाइनल खेला है, जबकि 4 बार इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी 15वें सीजन में पहली बार एक नए कप्तान की अगुवाई में उतरी है। इस सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी, जबकि दूसरे मैच में भी CSK की बल्लेबाजी ने पूरी टीम की कमर तोड़ दी थी। हालांकि हर बार CSK की टीम काफी मजबूत रही है। CSK में फॉफ डुप्लेसिस, सुरेश रैना, शेन वॉटसन, इमरान ताहिर जैसे दिग्गज रहे हैं, लेकिन इस बार CSK की टीम पहले के मुकाबले थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। CSK की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में गहराई की कमी दिखाई दे रही है। टीम का मजबूत पक्ष इनके ऑलराउंडर हैं, जो टीम को मजबूती दे सकते हैं। IPL 2022 में पंजाब की अगुवाई कर रहे बल्लेबाज मयंक अग्रवाल पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पंजाब ने IPL सीजन 15 की शुरुआत तो प्रचंड जीत के साथ की थी, लेकिन टीम ये जीत ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रख पाई और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पंजाब किंग्स ये मैच हार गई।
एक तरफ जहां पंजाब किंग्स में शिखर धवन और अर्शदीप सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाज मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ कगिस और रबाडा की गेंदबाजी टीम में पैनी धार रखती है। आईपीएल सीजन 15 का यह मुकाबला मुंबई के ब्राबोन स्टेडियम में खेला जाएगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस मुकाबले में दो दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी। हालांकि ये मुकाबला जीतकर सीएसके इस सीजन में अपना खाता खोल सकती है और पंजाब में ये मैच जीतने के साथ ही स्कोरबोर्ड पर अपने अंक बढ़ा सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।